बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो न्यूमेरिकल 12 पॉइंट्स जिसको डील करेंगे। अगर से प्रीवियस वीडियो की बात की जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल 12.5 को कवर किया था, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बगैर टाइम को वेस्ट किए और आज अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट की। बेसिकली अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सिर्फ देखा जाए तो उसके अंदर लिखा हुआ कि अ 10 वॉट रेजिस्टर हैज़ अ वैल्यू ऑफ 120 ओहम। ठीक है, यानी मेरे पास एक रेजिस्टर है जिसकी पावर तो 10 वॉट है, लेकिन वाली है उसका रेजिस्टेंस कितनी है, 120 ओहम। ठीक है, वाट रेटेड करंट थ्रू द रेजिस्टर। अब रेजिस्टर की पावर हमें पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, हमने उसका करंट फाइंड करना है। ठीक है, मीन अगर मैं इसके सर्किट डायग्राम ड्रा करूँ तो मेरे पास, अब इस सर्किट मुझे इस रेजिस्टर की वैल्यू भी पता है, ठीक है, और इसकी पावर भी पता है। अब हमने फाइंड करना है करंट अक्रॉस दिस रेजिस्टर, आई आर अक्रॉस दिस रेजिस्टर, ये हमने फाइंड करना है। ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। तो अगर मैं गिवन डाटा की बात करूँ तो सारी चीज़ें मेरे पास गिवन है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला डालना जिसकी वजह से मेरे पास कैलकुलेशन होकर आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, पहली चीज़ मेरे पास गिवन है पावर जो कि 10 वाट है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस भी गिवन है जो कि 120 ओहम है। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव किया जाए तो करंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला लगा लेंगे, पी इज इक्वल टू आई स्केयर डिवाइडेड बाई आर। तो आई फाइंड करना है तो आई स्केयर इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू अंडर रूट पी बाय आर फॉर्मूला बन जाएगा। अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है, पावर कितनी है हमारे पास 10 और आर कितना है 120, तो 0 0 से कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो अब इसका हम कैलकुलेशन करके आंसर देख लेते हैं हमारे पास कितने आ रहे थे। तो जब 1 डिवाइडेड बाई 12 का हम अंडर रूट लिखे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, बेसिकली मेरा आंसर आ जाएगा 0.29 एम्पियर हमारे पास करंट आ जाएगा। बेसिकली इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखा जाए तो उसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7 में देखा जाए अ रजिस्टर ऑफ 50 ओहम, हमारे पास रजिस्टर की वैल्यू गिवन है जिसकी कितनी वैल्यू है 50 ओहम, हैज़ पी डी, पी डी स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, 100 वॉट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, डीसी सोर्स है, 1 आवर टाइम है, पावर कैलकुलेट करनी है एंड एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो बहुत ईजी है ये भी। तो अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो क्या क्या चीज़ गिवन है, तो पहले मैं गिवन डाटा लिख लेता हूँ फिर उसके बाद टू फाइंड लिख लेता हूँ। तो गिवन डाटा की बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, तो जो फर्स्ट चीज़ हमारे पास गिवन है वो है रजिस्टेंस जो कितनी है 50 ओम। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो भी कितनी है 100 वोल्ट की। उसके बाद जो हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम कितना है 1 आवर, तो 1 आवर को हम जब सेकंड में काउंट करेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 8 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास गिवन थी, अब हमने फाइंड क्या करनी है। ठीक है, वो देख लेते हैं कि हमने फाइंड क्या करनी है, तो टू फाइंड। ठीक है, तो जो फर्स्ट चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है, पावर। ठीक है, हमने पावर रिलेट करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने फाइंड करनी है वो पावर की रिस्पेक्ट से कैलकुलेट होगी जिसको बोला जाता है एनर्जी। ठीक है, हमने एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बेसिकली हम फार्मूला की बात करें तो हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, फार्मूला। ठीक है, तो पावर की रिस्पेक्ट से जो फार्मूला यूज़ हो रहा होगा आप देखते हैं मारो से अच्छी चीज़ की बने, तो हमारे पास रेजिस्टेंस वोल्टेज ही बने जिसकी वजह से पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, और उसके बाद अगर हम एनर्जी के फॉर्मूला की बात करें तो पावर होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, तो एनर्जी हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करना है, तो अब फर्दर कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हमने पावर कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो पावर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैंने क्या यूज़ किया था कि पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, हमें वैल्यू पता है, तो वी स्क्वायर हमारे पास कितना है 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 50, तो ये काट जाएगा 5 2 200, तो पावर कितनी आ जाएगी 200 वाट। ठीक है, हमने पावर कैलकुलेट कर ली। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है वो है एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम पावर का फॉर्मूला पढ़ा था तो पावर का एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई टी हो जाएगा। ठीक है,
अब पी कितना था 200 और टी कितना है 3600, ठीक है। अब नंबर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 72, 20 और 20 जॉल, ठीक है। तो अब मैं इसे पॉइंट खत्म करता, तो यहाँ पे पॉइंट होगा, तो यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करूँगा साइन डिफ्यूटेशन लिखने के लिए, कि तो 1 2 3 4 5, तो 7.2 × 10⁵ जॉल या 0.72 MJ, ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7, ठीक है। तो उसके बाद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7, ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8 को भी डील कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8 भी आप देखें तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द करंट थ्रू अ सिंगल लूप सर्किट इफ ई इज इक्वल टू 120 एंड आर इज इक्वल टू 1000 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू 0.01 ओम। तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन की तरफ फोकस किया जाए तो क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। मीन हमारे पास EMF गिवन है, तो हमने जब EMF की बात की थी उसके अंदर बिल्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, तो EMF कितनी है 120 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 0.01 ओम और रेजिस्टेंस कितनी है 1000। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड करंट, हमने करंट को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए पहले डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये वोल्टेज सोर्स आ गया, ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास आ रही है EMF, ठीक है। अब ये कितनी थी 120 वोल्ट, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर कितना है 0.1 ओम, और ये कितना है 1 10000, ये 1000 ओम, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास गिवन थी, हमने फाइंड ये करना है। तो अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या क्या हमने फाइंड करना है, तो गिवन डाटा की बात करें, ठीक है। तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास फर्स्ट चीज़ गिवन है EMF, उसके बाद हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है, उसके बाद मैंने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, तो मैंने क्या फाइंड करना है करंट, ठीक है। तो बेसिकली फार्मूला क्या हो जाएगा, करंट का फार्मूला EMF के लिए क्या होता है, तो EMF की बात की तो उसका फार्मूला क्या होता है, कि E इज इक्वल टू IR+r, ठीक है। यानी कि जो हम ओम लॉ पढ़ते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होते हैं। जब हम EMF की बात करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस और दूसरे रेजिस्टेंस दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास करंट फाइंड करना है, तो आई जगह आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अब ई की वैल्यू कितनी थी 120, आर कितना था 1000+0.1, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 120+1000.10, हाँ, ठीक है। अब इनको डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास कितना आंसर आता है। तो जब हम डिवाइड करेंगे 120 को इससे, तो बेसिकली हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.119, आई इज इक्वल टू 0.119 × 10⁻³, ठीक है। तो फर्दर करें तो 0. राउंड ऑफ कर लेंगे तो 1 × 10⁻³ का मिली एम्पियर, तो हमारे पास करंट कितना आ जाएगा 0.12 मिली एम्पियर। तो बेसिकली ये थी प्रॉब्लम नंबर 8। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉब्लम नंबर 9 और 10 को डील करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।